हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस दो मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस, 2 मिनट नहीं मिला और 2 घंटे हमें सुनने पड़े प्रधानमंत्री को, जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन, वही पुराने आरोप, कभी चुटकले, कभी मजाक, कभी तंज किया। उन्होंने राजनीति को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए और एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुजार लगाई। हमने इंसाफ की गुजारिश की, न्याय की गुजारिश की, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर की आवाज सुनो। हम जो उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसद हम आ गए और उसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे इंडिया अलायंस के सांसद देश के हर कोने से, उत्तर से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक, देश के हर कोने का इंडिया अलायंस का सांसद उत्तर पूर्वांचल के सांसदों के समर्थन में सब हम वेल में आके हम सभी ने नारा लगाया, मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर में आज आग लगी हुई है, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को इंसाफ दो। 2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भाषण रखी लेकिन एक बार भी मणिपुर का बात उन्होंने नहीं उठाया।